झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शुक्रवार को राज्य की औद्योगिक नीति पेश करेंगे। राज्य में 1,00,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य रखा गया। राज्य को इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण के बड़े केंद्र के रूप में स्थापित करने पर सरकार की नजर है। एक अधिकारी ने कहा कि झारखंड औद्योगिक और निवेश संवर्धन नीति का अनावरण नई दिल्ली में होने वाली एक निवेशक बैठक में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि JIIPP 2021 के शुभारंभ के साथ राज्य सरकार कपड़ा एवं परिधान, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिक वाहन, खाद्य प्रसंस्करण, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एवं विनिर्माण, पर्यटन, स्वास्थ्य, IT और IT आधारित सेवाओं, नवीकरणीय ऊर्जा, पेय सामग्री एवं आसवनी, स्टार्टअप एवं इंक्यूबेशन केंद्रों, शिक्षा और MSME क्षेत्र में कारोबार के अवसरों को बढ़ावा देगी। सरकार की ओर से कहा गया है कि राज्य को इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और निर्माण के बड़े केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए जमशेदपुर के पास एक क्लस्टर स्थापित किया गया है। इसके सुचारू संचालन के लिए एक विशेष प्रायोजन कंपनी आदित्यपुर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर लिमिटेड की स्थापना की गई है। सूर्य ने कहा, झारखंड असीमित अवसरों की भूमि है। हम सभी निवेशकों का स्वागत करते हैं और हमारी सरकार आपके साथ खड़ी रहेगी। इससे हमारे कुशल कर्मचारियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। JIIPP में निवेशकों को 9 साल के लिए SGST से 100% और बड़े उद्योगों को 12 साल के लिए 75% तक राहत देने का वादा किया गया है।